डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन का जो पॉलिसी आर्किटेक्चर है वो ये है कि जो भी नैड से रिक्वेस्ट आएगी, ऑब्वियसली अब वो रिक्वेस्ट टेकएक्स पे आएगी, तो हमें आगे जो पॉलिसी सेट बनाना है वो टेकएक्स कैटेगरी का बनाना है, और उस पॉलिसी सेट की कोई कंडीशन सेट करेंगे ताकि वो रिक्वेस्ट जो है उसमें मैच हो जाए। इवेंचुअली ऑथेंटिकेशन पॉलिसी ट्रिगर होगी, उसकी भी कंडीशन मैच होना जरूरी है इफ यू आर मेकिंग योर ओन पॉलिसी। अदरवाइज इफ यू आर यूजिंग डिफॉल्ट, तो फिर डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन रूल के अंदर तो सब कुछ मैच हो जाता है, और इसी तरह इफ यू आर यूजिंग डिफॉल्ट ऑथराइजेशन पॉलिसी तो उसके अंदर भी कंडीशन में सब कुछ मैच हो जाता है। बट इफ यू आर मेकिंग योर ओन रूल्स इन ऑथेंटिकेशन पॉलिसी एंड ऑथराइजेशन पॉलिसी सेक्शन, तो फिर उसकी कंडीशंस भी हमें मैच करानी पड़ेगी। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो पॉलिसी सेट हमें बनाना है फॉर डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन वो कैसे बनेगा। देखिए, वर्क सेंटर में डिवाइस एडमिन पॉलिसी सेट में आते हैं, लेट्स डिलीट दीज टू। तो अब यहां पर मुझे एक पॉलिसी सेट ऐड करना है, तो जब कोई पॉलिसी नहीं बनी होगी, पहली होगी, तो प्लस अपीयर हो जाएगा, उसके बाद से फिर हम ये प्लस यूज करेंगे। सो वी आर गोइंग टू मेक पॉल सेट वन अगेन। ऑब्वियसली इस पॉल सेट वन को मैच करने के लिए कोई ना कोई कंडीशन चाहिए, और अगर मैं अपना पॉलिसी सेट नहीं इस्तेमाल करना चाहता, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, तो डिफॉल्ट पॉलिसी सेट तो बना हुआ है, यानी वो पॉलिसी सेट डिफॉल्ट एग्जिस्ट करता है, जो भी टेकएक्स की रिक्वेस्ट आएगी वो इसमें तो मैच हो जाएगी। सो डिफॉल्ट पॉलिसी सेट की कोई कंडीशन नहीं है एज सच, इट मैचेस एवरीथिंग, जो भी टेकएक्स की हिट आएगी दैट विल इवेंचुअली मैच विद दिस पॉलिसी सेट। सो नॉट नेसेसरीली कि मैं कोई पॉलिसी सेट अपना बनाऊं, मैं बेयर मिनिमम कॉन्फिग्रेशन अगर करना चाहूं तो मैं डिफॉल्ट पॉलिसी सेट भी यूज कर सकता हूँ। अच्छा, डिफॉल्ट पॉलिसी सेट में कंडीशन तो नहीं है, अलाउड प्रोटोकॉल इसमें खुद ही सिलेक्ट है। हाँ, इसके अंदर मुझे ऑथेंटिकेशन पॉलिसी और ऑथराइजेशन पॉलिसी को अगर मैं देखना चाहता हूँ तो मुझे देख लेना चाहिए। इफ आई लुक एट द ऑथेंटिकेशन पॉलिसी, आई हैव अ रूल देयर एज वेल नेम्ड डिफॉल्ट, एंड दिस रूल हैज नो स्पेसिफिक कंडीशन, बल्कि ये एक ब्रॉड रूल है और ये किसी भी टेकएक्स रिक्वेस्ट को मैच करेगा, और इसके अंदर वेरी वेल डिफाइंड है कि आपने आइडेंटिटी सोर्स सीक्वेंस ऑल यूजर आईडी स्टोर्स यूज करना है। ऑल यूजर आईडी स्टोर्स आपके इंटरनल यूजर्स को भी रेफर करता है, और अगर उसमें कुछ नहीं मिला तो ये एडी को भी रेफर कर लेगा। तो आई थिंक दिस इज गुड टू गो, ऑथेंटिकेशन रूल इज ऑल्सो इंटैक्ट, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑथराइजेशन पॉलिसी की बात करूं तो उसमें भी रूल एग्जिस्ट करता है। अच्छा, ऑथराइजेशन पॉलिसी में जो रूल एग्जिस्ट करता है उसका नाम भी डिफॉल्ट है, कंडीशन उसकी कोई नहीं है, मीन्स वो भी सबको मैच करेगा। अब ये जो ऑथराइजेशन पॉलिसी है दैट इज दी स्पिरिट ऑफ डिसीजन मेकिंग, दिस इज दी फाइनल पॉइंट जहां पे आइस की तरफ से कोई वर्डिक्ट जाना है, कोई डिसीजन कम्युनिकेट होना है नैड को। तो क्योंकि ये ऑथराइजेशन पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू की है, डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट ट्रिपल ए की पॉलिसी है ये ऑथराइजेशन पॉलिसी, तो ये आपसे इनपुट में कुछ चीजें मांगेगी जिनको हमें समझना है आज। तो ये आपसे मांग रही है कमांड सेट्स और शेल प्रोफाइल्स। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ कमांड सेट एंड व्हाट इज शेल प्रोफाइल। जब हम इन दो इनपुट्स को समझ लेंगे, ये वो दो इनपुट्स हैं जो किसी डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन ऑथराइजेशन पॉलिसी की प्री रेक्विजिट्स हैं, वो उसको चाहिए हैं टू वर्क। तो जब हम इनको समझ लेंगे तो वी विल कम टू नो कि ऑथराइजेशन पॉलिसी जो टैकेक्स के लिए बनाई जाती है उसके प्री रेक्विजिट्स क्या है। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कमांड सेट्स लेट्स गो बैक टू स्लाइड्स। कमांड सेट्स क्या चीज है? बेसिकली कमांड सेट्स
स्पेसिफिक कमांड्स हैं जिनको आप अलाउ करेंगे या डिनाई करेंगे ताकि वो शेल में चल सकें या ना चल सकें नैड के ऊपर। पाथ इनका क्या है, ये बनाने, ये जो लिस्ट है जस्ट लाइक एन एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जिसमें परमिट डिनाई होता है, तो ये कमांड सेट्स यानी कमांड्स की एक लिस्ट आपको बनानी पड़ती है। ये लिस्ट कहाँ बनती है जाके, सो वर्क सेंटर, डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी के एलिमेंट्स यानी जो पॉलिसी में इस्तेमाल होने वाले लवाजमात हैं, पॉलिसी एलिमेंट्स हैं वो, और उन पॉलिसी एलिमेंट्स के अंदर रिजल्ट्स बेसिकली वो चीजें होती हैं जो यूजुअली ऑथराइजेशन पॉलिसी में कॉल होती हैं, यानी ये वो हतमी नताइज होते हैं जो ऑथराइजेशन पॉलिसी ने रिटर्न करने होते हैं टूवर्ड्स नैट, एंड दिस इज ट्रू फ्रॉम बोथ रेडियस एंड टैकेक्स पॉइंट ऑफ व्यू। अभी बहरहाल हम टैकेक्स को फोकस कर रहे हैं। सो पॉलिसी एलिमेंट्स में रिजल्ट्स में आपको ऑप्शन नजर आएगी टैकेक्स कमांड सेट्स, इस पर क्लिक कीजिए। सो वंस यू क्लिक ऑन इट तो ये वो पाथ है, वर्क सेंटर, डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी एलिमेंट्स, यू हैव रिजल्ट्स एंड अंडर रिजल्ट्स यू हैव टैकेक्स कमांड सेट्स। सो वंस यू क्लिक ऑन इट यू विल बी एबल टू सी हियर the command sets which are pre-configured in the system. System में एक command set बना हुआ है और उसका नाम है deny all commands. ये command set नाम से जाहिर है ये किसी भी command को चलने नहीं देता. This will not allow any command to be executable on the shell of a NAT. तो यहां देखिए अगर मैं ये command sets में click करूं तो मुझे ये deny all commands की ऑप्शन मिलती है और बाय डिफॉल्ट जो ऑथराइजेशन पॉलिसी है उसके अंदर ये deny all commands सिलेक्ट हुआ होता है। आप अपने यहाँ डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन में देखेंगे तो आपको यूं नजर आएगा, यहाँ पे नजर ना आने की वजह कस्टमाइजेशन थी, किसी ने चेंज किया हुआ है, अदरवाइज ये यहाँ सिलेक्ट इसी तरह से हुआ होता है। सो अगर ये डिफॉल्ट मेरी पॉलिसी की शक्ल ये होती है एडमिनिस्ट्रेशन की तो फिर साफ जाहिर है कि इवेंचुअली ऑथेंटिकेट हो भी जाऊं तो मुझे कोई कमांड चलाने की इजाजत तो मिलने वाली नहीं है, कमांड नहीं चलेगी कोई भी। सो इन ऑर्डर टू परमिट अ कमांड आई विल हैव टू क्रिएट अ कमांड सेट। सो लेट्स गो टू वर्क सेंटर, डिवाइस एडमिन पॉलिसी सेट्स, सॉरी वर्क सेंटर, पॉलिसी एलिमेंट्स, रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स के अंदर हम टैकेक्स कमांड सेट्स को ओपन कर लेते हैं। डिनाई ऑल कमांड्स बना हुआ है, इसको अगर मैं एडिट करूं तो नजर ये आता है कि डिनाई ऑल कमांड्स डिस्क्रिप्शन उसकी दी हुई है और आई एम नॉट एबल टू मेक एनी चेंज इन इट। ये एक खास तरह का कमांड सेट है जो प्री बिल्ट है और ये किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट नहीं होने देगा। हम अपना एक कमांड सेट ऐड करते हैं, ऐड। ऑन कंट्रेरी टू दैट मैं बनाता हूं परमिट ऑल कमांड्स। सो यू सी वी आर मेकिंग अ कमांड सेट अगेंस्ट दिस डिनाई ऑल कमांड्स। इट विल बी अ कस्टम मेड कमांड सेट, नाम हमने खुद उसका चूज किया, परमिट ऑल कमांड्स कुछ भी रख लेते हैं आप नाम। So I'm naming it as custom command set to permit all commands. अब नीचे देखिए एक ऑप्शन आ रही है, permit any command that is not listed below. यानी नीचे अगर कोई एक एक करके कमांड नहीं बताई हुई तो जो भी नहीं बताई हुई उसको आप permit कर दें। तो इससे क्या होगा, जब मैं क्लिक करूंगा परमिट एनी कमांड दैट इज नॉट लिस्टेड बिलो तो ये परमिट एनी जैसा सिनेरियो बन जाएगा। सबमिट। सो नाउ वी कैन सी कि डिनाई ऑल कमांड्स भी एग्जिस्ट करता है, परमिट ऑल कमांड्स भी एग्जिस्ट करता है। डिनाई से सब कुछ डिनाई हो रहा है, कोई कमांड चलने नहीं दी जाएगी, और परमिट से तमाम कमांड्स परमिट हो रही है। इन दोनों के दरमियान अगर कोई सिचुएशन क्रिएट करनी है तो ऑर्डर डज नॉट मैटर बिकॉज हम इनको कॉल करते हैं अपनी पॉलिसी में, इनका यहां बनने का ऑर्डर बेमानी है,
ये एक ऐसा कंस्ट्रक्ट है जो अंदर कॉल होना है, यानी हम यहां पर आकर के इसको इधर अपनी मर्जी से कॉल करेंगे, तो वहां जिस मर्जी ऑर्डर में बने हो, हमने तो आके पिक एंड चूज करना है इनको यहाँ पे, सो परमिट ऑल कमांड्स। इसका क्या मतलब है कि अब बाय डिफॉल्ट में कोई भी कमांड नैट में कोई एग्जीक्यूट करने की कोशिश करे उसको इजाजत होगी। ये अब ये सिनेरियो बन गया। बहरहाल लेट्स गो बैक टू पॉलिसी एलिमेंट्स एंड क्रिएट अ कमांड सेट जिसमें हम अपनी चॉइस वाली कमांड्स को सिर्फ परमिट करें। सो वी हैव डिनाई ऑल विच इज डिफॉल्ट, वी हैव नाउ अ परमिट ऑल जो हमने बनाया, अब हम एक और बना लेते हैं। अच्छा जी, हम कहते हैं लेट्स से हेल्प डेस्क। हेल्प डेस्क का कमांड सेट, कमांड्स अलाउड फॉर हेल्प डेस्क एडमिन्स, इसकी डिस्क्रिप्शन दे दी हमने। अब इसमें हमें कमांड ऐड करनी पड़ेगी कि हम कौन सी कमांड है जो उसको अलाउ करने जा रहे हैं ताकि वो वहां iOS में एग्जीक्यूट कर सके। तो यहां कमांड लिखेंगे लेट से शो और परमिट लिख देंगे। सो परमिट कर दो शो की कमांड। नाउ व्हाट इज आर्ग्यूमेंट? आर्ग्यूमेंट इज जो कमांड का पैरामीटर है शो रनिंग कन्फिग। सो इसमें मैंने शो रनिंग कन्फिग प्रिसाइजली अलाउ की। सबमिट करने पर एरर आ जाता है। मेक श्योर कि आप ये टिक प्रेस करें पहले। सो वंस यू क्लिक ऑन दिस टिक, दिस एंट्री विल बी लोडेड एंड आफ्टर दैट यू कैन प्रेस सबमिट। बट हमें तो यहां पर अभी और भी कमांड्स अगर अलाउ करनी है तो क्या करना है? वी विल प्रेस ऐड अगेन। हम यहां पे लिखेंगे परमिट और हम कह देते हैं शो वर्जन। तो सिर्फ और सिर्फ शो वर्जन और शो रनिंग कन्फिग परमिट हो रही है इस कमांड सेट की रूह से। ऐड, अगर मैं सिर्फ शो लिख दूं और मैं कोई आर्ग्यूमेंट ना दूं तो इसका मतलब यह है कि शो से चलने वाली तमाम कमांड्स अलाउड हैं। आपको प्रिसाइजली आपने नहीं बताया अगर, तो तमाम आर्ग्यूमेंट्स अलाउड हैं, लिहाजा फिर इसकी वक्त नहीं रह जाती, ये बेमैनी है फिर। जब आप एक शो को ही अलाउ कर देंगे मुकम्मल, तो फिर प्रिसाइज कमांड्स देने की क्या जरूरत है? शो वर्जन भी इसी में कवर्ड है, शो रनिंग कन्फिग भी इसी में कवर्ड है। तो आर्ग्यूमेंट देने से आप स्पेसिफिक हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट ना देने से आप ब्रॉड हो जाते हैं। अच्छा, अब मैं ऐड करता हूं इसमें डिनाई और मैं कहता हूं शो वर्जन। अब देखिए, शो वर्जन वो स्पेसिफिक कमांड है जिसको हमने टॉप पे डिनाई कर दिया। ये अब जो लिस्ट नजर आ रही है इसमें ऑर्डर मैटर करता है। इसको आप अगर ऊपर नीचे कर देंगे मूव अप मूव डाउन, तो यहां ऑर्डर मैटर करेगा। सो अगर आप शुरू पे डिनाई कर देते हैं शो वर्जन और बाद में परमिट कर देते हैं मुकम्मल शो को, तो इसका लॉजिक ऐसा ही है कि शो वर्जन बस अलाउड नहीं है, बाकी सब अलाउड है। एड, आप कहते हैं डिनाई शो इंटरफेस। अब अगर ये आप बिल्कुल बॉटम में ले जाएं तो इसका तो कोई फायदा नहीं है, इसकी तो नौबत नहीं आएगी, हमेशा परमिट चल जाएगा शो। यहां पे आपने एक ब्रॉडर चीज अलाउ कर दी है, तो सीक्वेंस में जब भी कोई नैड पर कमांड एग्जीक्यूट करेगा और इस कमांड सेट को कंसल्ट किया जाएगा, तो पहले ये डिनाई, अगर किसी ने शो इंटरफेस चलाई है तो इससे मैच तो नहीं हुआ, अगली चीज देखी जाएगी। हाँ, इससे मैच हो गया तो यहीं परमिट हो जाएगा, अगली तक की तो नौबत नहीं आएगी।
लिहाजा ये लॉजिकली गलत है। अगर आप इसको डिनाई करना चाहते हैं तो फिर आप उसको उस परमिट से ऊपर रखिए। अच्छा, एक ऑप्शन है हमारे पास डिनाई ऑलवेज, और मैं लिख देता हूं शो आईपी, और इसको मैं ले जाता हूं बॉटम में। अब मेरे पास जो मैक्सिमम ऑप्शंस थी ग्रांट की वो तीन ही थी, डिनाई, परमिट और डिनाई ऑलवेज। इसको देख के आपको क्या लगता है, अब ये क्या लॉजिक है जो आपके सामने है इस वक्त? व्हाट इज दिस लॉजिक ऑल अबाउट नाउ? एनी क्लू, एनी आइडिया? वो एक्सप्लेन करना चाहेगा इसको, क्या लॉजिक फील होता है डिनाई ऑलवेज और डिनाई में क्या फर्क है? परमिट मीन्स परमिट, डिनाई मीन्स डिनाई, बट वाई वी हैव टू टाइप्स ऑफ डिनाई, डिनाई एंड डिनाई ऑलवेज। देखिए जी, डिनाई ऑलवेज का जो क्लॉज है ये आपका बॉटम में भी हो तो भी इसकी प्रेफरेंस अव्वल नंबर पर है। सो प्रोसेसिंग का सीक्वेंस कुछ यूं है कमांड सेट का कि कमांड सेट्स का प्रोसेसिंग ऑर्डर ये है, नंबर वन पर चेक किया जाता है deny always को, इसकी प्रेफरेंस नंबर वन है, चाहे आप इसको एंड पर ले आए, सबसे पहले deny always क्लॉजेज एग्जीक्यूट होती हैं, उसके बाद फॉलो द सीक्वेंस स्टार्ट हो जाता है। So, अगर आपने यहां लिखा शो आई पी डिनाई ऑलवेज, तो भले ये इस शो से ऊपर है, ब्रॉडर परस्पेक्टिव में शो परमिटेड है, भले परमिटेड है, लेकिन डिनाई ऑलवेज ने इवेलुएट सबसे पहले होना है, तो शो आई पी वाली कमांड डिनाई ही रहेगी भले उससे ऊपर एक ब्रॉड परमिट है। आप इस परमिट को बिल्कुल ऊपर ले आइए तो अब क्या लॉजिक बनेगा? शो से चलने वाली तमाम कमांड्स भले टॉप पे परमिट हैं, लेकिन उसने तो सबसे पहले डिनाई ऑलवेज देखना है जो भले बॉटम में है। तो पहले अगर आप शो आईपी की कमांड चला रहे हैं और इससे आईस से पूछते हैं कि बताइए मैं इस कमांड को चला सकता हूं कि नहीं, और आपका कुर्रा ये निकलाया कि आपको हेल्प डेस्क नामी कमांड सेट ने डिसाइड करना है कि आप चला सकते हैं कि नहीं, तो ये कमांड सेट तो नहीं चलने देगा क्योंकि इसमें वो डिनाई ऑलवेज में, भले वो ऑर्डर में एंड पे है। उसके बाद आप कमांड देते हैं शो वर्जन, यू टाइप कमांड शो वर्जन, तो क्या होगा इस सिनेरियो में रहते हुए शो वर्जन टाइप करें तो क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक? शो वर्जन टाइप करने पे क्या होगा? परमिट जी। क्यों परमिट? क्योंकि ब्रॉडर शो टॉप पर है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। अगर इसको पकड़ के ऊपर कर दिया जाए और अब मैं शो वर्जन एग्जीक्यूट करूं तो क्या होगा? डिनाई, बिकॉज अब ये ऑर्डर में नंबर वन पे है। और अगर शो वर्जन को आपने ये हुक्मनामा दे दिया कि ये डिनाई ऑलवेज कैटेगरी पे चला जाए, अब आप इसको भले दरमियान में कहीं पर भी ले आए तो क्या होगा? शो वर्जन और शो आईपी ये डिनाई ऑलवेज क्लॉज में है, ये पहले प्रोसेस होंगे और कोई भी अब इन दो कमांड्स को नहीं चला सकता भले शो ओपनली परमिटेड है।
उसके तमाम आर्ग्यूमेंट्स परमिटेड हैं। सो आई होप दिस मेक्स सेंस सो फार। अभी हमने इस ग्रांट के जो पैरामीटर है इसको, इसके इसके रूल्स को समझने की कोशिश की है। कमांड यहाँ पे पेरेंट कमांड आएगी और उसके बाद उसके आर्ग्यूमेंट्स आएंगे। अच्छा जी, तो परमिट, डिनाई और डिनाई ऑलवेज, ये चीज हमने डिस्कस कर ली और इसके दरमियान क्या फर्क है उस पर बात हो गई।